गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों हमारा आज का टॉपिक है बच्चों वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक ठीक है बच्चों जो ये प्रोकारियोट्स हैं जनरली इंक्लूडिंग नॉस्टॉक <laughs> इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ है बच्चों ठीक है

सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक 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 टाइप है जो जनरली हमको फंजाई के केस में नजर आता है बच्चों ठीक है फंजाई में जो बेसिडियोडीना के मेंबर्स होते हैं ठीक है एंड इन मेंट हेपन देयर इज नो स्पेशल स्पेशलोडक्ट रिपोर्डक्टिव स्ट्रक्चर द वेजिटेटिव फ्यूज ठीक है एंड प्रोड्यूस डिप्लोइड स्ट्रक्चर ठीक है लेकिन हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है बच्चों ठीक है तो हम सिंपली कहेंगे नो स्टॉक डज नॉट अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बट इट अंडर वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फॉलोइंग मीन्स एंड व्हाट आर दोज मीन्स नंबर वन इज फ्रैगमेंटेशन नंबर टू इज हॉर्मोगोनिया नंबर थ्री इज हिटारोसिस्ट एंड नंबर फोर इज एकाइनिट्स अगेन एक और बात बताऊंगा कुछ लिटरेचर्स में आपको इसके अलावा के कुछ टाइप्स भी मेंशन किए हुए हैं ठीक है थीके? तो

इन केस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वट हैज नो स्पेशइज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्म एट ऑल ठीक है बच्चो रादर द वेजिटेटिव सेल्स सेल ऑर द सेल्स दम सेल्स रिप्रोड्यूस स्पेसली इन केस ऑफ एलगीय ठीक है इन सच सिंपल ऑर्गेनिजम्स Whereas, in case of asexual reproduction, what happens? So, there are specialized reproductive structures formed. You must remember some sac like structures formed called sporangia. For example, zoosporangia are formed in algal members, Aplenosporangia are formed, tetrasporangia are formed, for example, in polysiphonia. Inside which some specialized asexual propagules are formed.

तो मेरे ख्याल में आपको क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्राइब रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक या डिस्क्राइब डिस्क्राइबल रिप्रोडक्शन इन नॉस्टॉक ठीक है तो चाहे कैसा भी यू हैव मेंशन दीज फोर डिफरेंट टाइप्स ठीक है अब एक एक करके बताता हूं देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन अ फर्स्ट टू टाइप्स एंड देयर इज अमिलैरिटी बिटवीन लास्ट टू टाइप्स ठीक है इन द सेंस इन केस ऑफ Fragmentation and hormogonia, nothing special structures are formed. In fact, what we can see that in both these first types, the propagules are the fragments of the filament. However, in first case, it can be the fragment of the colony also.

Even after the death and decay of the parent body, so this is one similarity. ठीक है दूसरा एक और बात है कि इस केस में दोनों के केस में, the protoplastor transforms into the asexual reproductive propagules. ठीक है तो मेरे हिसाब से जो these दीज आर ऑल्सो द of vegetative reproduction. ठीक है बिकॉज देर इज नो sporangia फॉर्मेशन डायरेक्टली that Protoplast into the asexual reproductive स्ट्रक्चर ठीक है बच्चों तो अब ज़्यादा नहीं एक-एक एक-एक करके हम एक हम टाइप स्टडी करना शुरू कर देते हैं एग्जाम में किसी भी तरह से प्रश्न आए ठीक है यू जस्ट है बच्चों तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं फ्रागमेंटेशन अब फ्रेगमेंटेशन में कुछ नहीं होता बच्चों फ्रेगमेंटेशन इज द सिंपलेस्ट एंड कॉमनेस्ट मीन ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फाउंड इन मेनी एलगल ठीक है बच्चों एंड हियर इन केस ऑफ फ्रेगमेंटेशन अकर्स बाय टू डिफरेंट एक के आपका कॉलोनी फ्रेगमेंट हो जाएगा जो नोस्टॉक no बॉल के रूप में होता है नोस्टॉक बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स ठीक है बाय सम मैकेनिकल इंजरी ठीक है और दूसरा जो फ्रेगमेंटेशन टाइप है वो हो सकता है आपका इंडिविजुअल फिलामेंट में हो ठीक है और बोथ केस में नोस्टोक no रिप्रोड्यूस करता है मेरे प्यारे बच्चों तो सबसे पहले हम लेंगे ऑफ़ कॉलोनी व्हाट कॉलोनी सम हाउ इनटू टू और मोर पीसेस एंड ईच पीस

एग्जाम्पल वॉटर करंट कभी कोई और मैकेनिकल इंजरी हो गया कोई कोई ऑब्जेक्ट कॉलोनी के ऊपर गिर गया देर कुछ ब्रेक्स इन टू मेनी पीसेस ठीक है एंड ईच पीसेबल टू गिव राइट टू न्यू कॉलोनी और देर कुड बी समयटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिजम्स जनरलीमलिक एनिमल्स स्मॉलर और लार्जर एक्वेटिक एनिमल्स Which feed on these -stock colonies, जो नो स्टॉक कॉलोनी को खाते हैं ठीक है कई बारी ये ब्रेक कर लेते हैं ठीक है कॉलोनी को ब्रेक कर लेते हैं इच ब्रोकन पोर्शन यहां पर एक बात में बता देना चाहूंगा बच्चों ठीक है कॉलोनी का एक फ्रेगमेंट जिसके अंदर एटलीस्ट वन हेल्दी फिलामेंट या थेलस रहेगा that is capable to give rise to our new colony with time. Okay? so this is one type of fragmentation can occur in individual telus also. Okay? somehow the filament breaks into two or more pieces by mechanical injury or at the region of a dead cell which should be intercalary in position. if the dead cell is present. एट टर्मिनल रीजन ठीक है तब कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा इफ द डेड सेल इज प्रेजेंट इन इंटर कैलरी रीजन सो इट ब्रेक्स इन रीजन एंड इचमेंटेड पीस देन ग्रोज इन टू न्यू वेजिटेटिव सेलर्स और जो ये डेड सेल होता है बच्चों इसको हमारे लिटरेचर में नेक्रीडियम लिखा हुआ है डेड सेल इज कॉल्ड नेक्रीडियम और सेल्स आर कॉल्ड नेक्रीडिया प्लुरल नेक्रीडियम का प्लुरल

इसका जब सिंगुलर होगा हम या तो हर्मोगोनियम कर सकते हैं ठीक है मेरे प्यारे बच्चों तो कई जगह लिटरेचर में हर्मोगोनिया का सिंगुलर टर्म को हर्मोगोन लिखा है एच ओ आर एच ओ आर एम ओ जी ओ एन ई और कई लिटरेचर्स में हर्मोगोन को सिंगुलर मानते हैं इसके प्लुरल को हर्मोगोंस भी मानते हैं बच्चों तो ये इस शब्द के चक्रों में ज्यादा नहीं पढ़ना आप लोगों ने ठीक है hormogonia plural its singular could either be hormogonium or hormogon and in some literatures hormogon is considered singular and its plural plural is named as hormogons so what are hormogons or hormogonia these are fragmented pieces <coughs> of the thallus because of certain reasons why they are fragmented okay and they जनरली एक और बात बता दे, देना चाहूंगा बच्चों आप लोगों को मालूम है जो नोस्टॉक है ये फ्री लिविंग भी है और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी शो करते हैं बच्चों ठीक है विद सम अदर ग्रुप ऑफ प्लांट्स विद सम अदर प्लांट्स इन दैट केस द रिप्रोडक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोग इज द मेन टाइप जनरली इन सिम्बायोटिक नोस्टॉक जनरली बाई फॉर्मेशन ऑफ हॉर्मोग ठीक है बच्चों तो जो हॉर्मोग का फॉर्मेशन है फ्री लिविंग नोस्टॉक में अलग रहेगा और जो आपका सिम्बाइसिस इन वट एपन्स इन हॉर्मोगेशन फिल्मेंट ऑफ नोस्टॉक ब्रेक्स इंटू स्मॉल फ्रेगमेंट काल्ड हॉर्मोग एंड ईच हॉर्मोग हॉर्मोग

टेशन में आकर इन द रीजन ऑफ एक जनरल सा एक एग्जाम्पल बता देता हूं बच्चों इंजुरी जो जो से होगा जनरली और जो हॉर्मोग बनते हैं बच्चों इसमें कुछ बायोलॉजिकल मैसेज प्राप्त होता है इनको ठीक है तो इट इज अटेन्यूअस प्रोसेस इट अकर्स बाई इट्स जनरली वेन इट अकर्स इन द रीजन ऑफ अटेरोसिस्ट इन द केस ऑफ फ्री लिविंग फिल्मेंट्स ठीक है मेरे प्यारे बच्चों और इट में मे अकर इनकेस नेक्रीडिया और नेक्रीडियम मीन्स इंटर कैलरी एसोसिएशन व्हाट हैपेंस दैट द होस्ट प्लांट सीक्रेट सम केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हिप्स मींस हॉर्मोग इंड्यूसिंग फैक्टर्स एंड दैट केमिकल इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ आर सेपरेशन डिस्क And that separation disc is nothing but a mucilaginous disc. This is specially in case of the <coughs> uh, no stock filaments found in the symbiotic association with some other plants. We know that no stock filaments are formed by more or less round cells where they are loosely attached to each other. When the no stock is found in the form of symbiotic association, होस्ट प्लांट प्लांट सीक्रेट सम फॉर्मेशन ऑफ म्यूसिलेज ठीक है बच्चों आप लोगों को मालूम है मैंने पहले ही बताया था जो म्यूसिलेज है ये आपका डबल प्रोटेक्शन देता है नो को एक तो आपका कॉमन म्यूसिलेजनस मैट्रिक्स के रूप में हो गया जो पूरे कॉलोनी को प्रोटेक्शन देता है विच अ नंबर ऑफ फिलामेंट्स ठीक है और दूसरा जो म्यूसिलेजिनस शीत होता है हर एक फिलाेंट के पास हर एक फिलामेंट के पास अपना इंडिविजुअल शीत रहता है मेरे प्यारे बच्चों ठीक है <coughs> जब होस्ट फिर वही बात बोलूंगा कि ये सब प्रकृति का देन है बच्चों ठीक है जैसे ही बायोलॉजिकल मैसेज मिलता है ठीक है बायोलॉजिकल मैसेज मिलता है यह हम बोल सकते हैं कि होस्ट प्लांट का सेल्फिशनेस रहता है हल्का सा वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा बच्चों तो इन दैट केस हैपेंस इट स्टार्ट सीक्रेट सम केमिकल सेपरेशन डिस्क बच्चों दिस इज दैट सेपरेशन डिस्क कि जो म्यूसिलेज है वो आपका दो सेल्स के बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना देता है एज अ रिजल्ट सेपरेट अपार्ट ठीक है बच्चों?

एक बात बताया होस्ट का हल्का सा सेल्फिश बिहेवियर हम इसलिए बोल सकते हैं कि होस्ट सोचता है कि मुझे नाइट्रोजन चाहिए नाइट्रोजन चाहिए ठीक है बच्चों और नाइट्रोजन तब मिलेगा अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ नोस्टॉक फिलामेंट्स और नोस्टॉक फिलामेंट्स इंक्रीजिंग इन नंबर एंड हाउ द नोस्टॉक फिलामेंट्स विल इनक्रीज इन नंबर इन होस्ट बाय बाई फॉर्मेशन तभी मैंने पहले ही बताया था बच्चों सिंबायोसिस के केस में एक मेन टाइप रहता है बच्चों इनके रिप्रोडक्शन का ठीक है और जनरली मेरे ख्याल में फॉर्मेशन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं ठीक है इसीलिए होस्ट कुछ इंड्यूसिंग फैक्टर से क्रिएट करता है हॉर्मोग बनते हैं और हॉर्मोगोन लास्टली फुल इंडिविजुअल में आ, कन्वर्ट हो जाता है और हमको मालूम है कि नोस्टॉक नाइट्रोजन फिक्स करता है और नाइट्रोजन सब ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है ठीक 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 है 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 बच्चों तो इसीलिए मेरे ख्याल में थीके? इसी वजह से होस्ट इंड्यूस करता है बच्चों हॉर्मोगोन फॉर्मेशन इन नॉस्टॉक तो थर्ड टाइप है साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बट इट परफॉर्म सम अदर आल्सो एंड वन इज द

and because of thick wall structure, it can perinate unfavorable conditions. and because of a larger quantity of food stored, it can perinate unfavorable conditions. what happened? the protoplast breaks into two. and each protoplast piece synthesizes their own cell wall. thus, we can say protoplast changes into a two-cell structure. and division occurs one more time. and the two-cell structure changes into a four-cell structure.

At this four celled stage, it releases from parent body by breakdown of parent wall, means the breakdown of a heterocyst wall and germinates to give rise to a new vegetative phallus of a nostoc. It generally occurs in a terrestrial species, for example, nostoc communi, and in such cases, a heterocyst acts as a resting spore, just like that of echinids. During germination, a protoplast of a heterocyst. Again, my dear students, what is protoplast? Protoplast is cytoplasm plus plasma membrane, the naked structure. Protoplast divides to produce a four cell long germline, which then comes out by rupturing the heterocyst wall and grows into a new vegetative filament. Last one is akinetes. <coughs> it is in a sense similar to heterocyst because it also stores a good quantity of food <coughs> as soon as no stock senses some adversity or some adverse environmental conditions to encounter in future in coming two, three, four, four days. Okay? ये एनकाउंटर कर लेता है ये सेंस कर लेता है कि कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आने वाला है और मैं पहले ही बताता हूं बच्चों इन सिंपलर ऑर्गेजम के लिए अनफेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है ठीक है इन दैट केस वॉट एपन्स सम ऑफ द सेल्स ऑफ द फिल्मेंट स्टार्ट स्टोरिंग मोर एंड मोर फूड एंड सिंथेसाइज आ थिक वॉल Inside the original cell wall of the vegetative cell bacho, and turn into aechate. So what I mean to say echid are simply saying echid are very thick walled celled, cells which show minimum biological activities and are formed during extreme environmental conditions like drought-like conditions.

न सी द नोस्टोक ऑफ कॉलोनी हो जाते हैं कि यह कैसे हो गया पानी तो पूरा सूख गया था no मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं कुछ महीनों के लिए पेरिनेट करते हैं ठीक है और जब फेवरेबल कंडीशन आता है मीन अगले सीजन में फिर से उस वाटर बॉडी में जब पानी भर जाएगा देन अगेन इट जर्मिनेट्स

पोर्शन में नहीं बताते हुए टर्मिनल पोर्शन में आप नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स बता दो और इंटरकैलरी पोर्शन में जस्ट एडजेसेंट टू सम इंटरकैलरी हिटरोसिस्ट आप एक शो करना है ठीक है बच्चों क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि आ सिंगल एकाइनिट और द चेन ऑफ एकाइनिट्स आर फॉर्म्ड जस्ट नियर आ हिटेरोसिस्ट इट सजेस्ट्स दैट सम हाउ

इसीलिए मैंने कहा था कि अगर अगर इंडिविजुअल एकाइनिट भी शो करना है या चेन ऑफ एकाइनिट शो करने हैं यू हैव टू ड्रा दिस जस्ट नियर बच्चों आगे मैं सिंपली रीड करता रहूंगा जनरली सेल टू हिटेरोसिस्ट इज सेलेक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एकाइनिट ठीक है बच्चों अब एक और बात बताऊंगा जैसे फर्स्ट एकाइनिट बन गया ठीक है तो जो केमिकल सब्सटेंस है इट कीप्स ऑन डिफ्यूजिंग फॉरवर्ड टू अदर सेल्स आल्सो दस समटाइम्स वी कैन सी आ रो और आ चेन ऑफ एकाइनिट फॉर्म बट जनरली द फर्स्ट एकाइनिट फॉर्म्स इज द एडजेसेंट सेल ऑफ एन हिट आ हिटेरो जनरली आ सेल एडजेसेंट टू हिटेरोसिस्ट इज सेलेक्टेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एकाइनिट which suggests that a uh, heterocyst secretes certain chemical substances that induces the formation of uh, needs during its formation a protoplast of uh, the selected cell synthesizes a new thick cell wall this is a cell selected this is the cell wall this is its protoplast What happens? A new thick एपन्स न्यू is वॉल जस्ट आउटसाइड दिस प्रोटोप्लास्ट ठीक है बच्चों? इसीलिए हम जो है, एक टाइप दिया गया है एंडोस्पोर इसको हम एंडोस्पोर भी बोल सकते हैं ठीक है When द propagule इज फॉर्म विद इन द वॉल ऑफ द पेरेंट ठीक है बच्चों? It reduces इट्स metabolic एक्टिविटीज टू मिनिमम ये याद रखना है बच्चों हमेशा जितना ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगा उतने रिजर्व फूड का कंजम्पशन होगा और उतने कम, कम समय के लिए ये वायुएबल रह पाएगा इसीलिए जो रेस्टिंग होते हैं उनका एक प्राइम कंडीशन ये भी रहता है कि दे सीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज टू मिनिमम सो पेरिनेट द अनफेवरेबल द पीरियड फॉर अ लॉन्गर टाइम ठीक है बच्चों एंड बिकम्स एन एकाइनाइट दिस इज इट ऑन ऑन अप्रोच ऑफ फेवरेबल कंडीशंस ईच एकाइनाइट जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू वेजिटेटिव पैलस और द फिलामेंट सो दिस इज इट बच्चों मुझे लग रहा था कि ये तो जल्दी हो जाएगा पर फिर लग रहा है काफी समय लग गया है ना मेरे प्यारे बच्चों हां तो इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म होता है बच्चों <coughs> अगला लेक्चर हमारा रहेगा हिटेरोसिस्ट uh, कई बार एग्जाम के में प्रश्न पूछ लेते हैं दो या तीन नंबर का कि राइट आई शॉर्ट नोट ऑन हिटेरोसिस्ट ठीक है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ हिटेरोसिस्ट एलोंग विद द फंक्शंस कई बार आता है कि हिटेरोसिस्ट के फंक्शंस बता दो तो ठीक है तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस uh, करेंगे uh, तब तक के लिए खुश रहिए मेरे प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए है नाइस डे